हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। ये मौसम जो कि सर्दियों का, विंटर्स का मौसम है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे हम सोराइसिस अपना घर बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसे एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि आप जो कर रहे हैं घर बैठे बैठे या कोई इलाज अपना रहे हैं घर बैठे बैठे, क्या वो आपके सोराइसिस को ठीक करेगा या उसे और बढ़ावा देगा। तो ये वीडियो आपके लिए भारत होम्योपैथी लाया है ताकि आप अपने सोराइसिस को पहचान सके और अपने सोराइसिस का एक जड़ से इलाज पा सके। तो हम बात कर रहे थे ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप बैठे बैठे अपने सोराइसिस को मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी भी कहूँगी कि जो घर बैठे बैठे नुस्खे होते हैं, जो हम नुस्खे घर पर बैठ कर या फिर कुछ जो बड़े बूढ़े बताते हैं उसे अपना कर जो हम अपने सोराइसिस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उससे सोराइसिस सिर्फ मैनेज हो सकता है, क्योर नहीं। क्योर करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको एक सही इलाज की ज़रूरत है जो हम भारत होम्योपैथी आपको देता है और आपका सोराइसिस जड़ से ख़त्म रखने की क्षमता रखता है। तो आइए पहली टिप के बारे में बात करेंगे। सर्दियों का मौसम है, ज़्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, एकदम गर्म, एकदम उबला हुआ पानी। लेकिन जो सोराइसिस पेशेंट हैं उन्हें मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप गर्म पानी बिल्कुल अवॉइड करें। आप ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुने पानी से नहाइए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो जो आपके स्किन के इरप्शंस हैं, जो स्किन इन्फ्लेम्ड है, वो और ख़राब होगी, और वर्सन होगी और आपकी इचिंग बढ़ेगी, आपको जलन बढ़ेगी, जो आपके सोराइसिस में दिक्कत देगी। तो कोशिश करिए जितना हो सके ल्यूकवॉर्म वाटर, गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। तो बात करते हैं दूसरी टिप के। कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत ठंड लगती है तो वो 3-4-5 लेयर्स ऑफ कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन जो सोराइसिस के पेशेंट हैं, जिन्हें सोराइसिस है, उन्हें ये एडवाइस है कि वो वुलन क्लोथ्स, जो ऊनी कपड़े हैं, वो जितना हो सके अवॉइड करें। क्योंकि आप जितना ऊनी कपड़े पहनेंगे, जितने आप मतलब गर्म अपने आप को रखेंगे, उतना ही आपके पसीने आएंगे, उतने ही आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी में लगेंगे, जिससे इचिंग बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। आप वुलन कपड़े पहनेंगे वो आपकी बॉडी में चुभेंगे, आपको इचिंग देंगे, आपको बर्निंग देंगे, जो आपके लिए दिक्कत साबित करेंगे। और साथ साथ आप डेनिम्स भी अवॉइड करें, ये भी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रब होता है और टॉक्सिन्स से रिलीज होते हैं, क्योंकि आपकी स्वेटिंग बढ़ती है, इचिंग बढ़ती है, आपका फ्रिक्शन बढ़ता है बॉडी टू क्लोथ, जिससे आपके जो सोराइसिस है उसकी कंडीशन और वर्स हो सकती है। और अगली टिप के बारे में बात करेंगे, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहें, कैसे एटमॉस्फेयर में, कैसे वेदर में रहें। आप एक मॉइस्ट वेदर में रहें, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। उससे क्या होगा, आपके जो बॉडी में जो टॉक्सिन रिलीज़ होंगे गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, वो नहीं रिलीज़ होंगे और कहीं ना कहीं आपकी इचिंग में आपको आराम मिलेगा, आपकी जो इचिंग है या जलन है वो इतनी नहीं बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मैनेज हो पाएगी घर बैठे बैठे। और अगली टिप है कि आप कैसे एटमॉस्फेयर में बैठें या फिर कैसे एटमॉस्फेयर को अपने सराउंडिंग में रखें। आप एक मॉइस्ट एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट अपनाएं, ना ज़्यादा उसमें आपको ड्राइनेस फील होगी, जितनी ड्राइनेस फील होगी उतनी ही आपकी इचिंग बढ़ेगी, आपकी जलन बढ़ेगी, उतने ही फ्लेक्स निकलेंगे। तो एक ड्राइनेस वाले एटमॉस्फेयर में ना रहकर आप एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहिए, ना आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी लगेगी, आपकी जो इचिंग है और बर्निंग है वो कंट्रोल रहेगी और आपको अपने सोराइसिस को ठीक करने का एक मैनेज करने का तरीका मिलेगा विंटर्स में, जो आपकी जो कंडीशन है सोराइसिस की उसको बढ़ावा देने से रोकेगा। अगली टिप है, अक्सर सर्दियों में हमें प्यास बहुत कम लगती है, लेकिन जो सोराइसिस के पेशेंट हैं, इनफैक्ट हर कोई, जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, मैं उसे यही एडवाइस करूँगी कि जितना हो सके पानी पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़रूरत है। तो जो सोराइसिस पेशेंट्स हैं, अगर वो कम पानी पिएंगे तो उनकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे यूरिन के थ्रू। तो जितना वो पानी पिएंगे उतने ही बॉडी से वो टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो सोराइसिस है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो पाएगा विंटर्स में और आपको एक राहत देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपके घर में आप खुद सोराइसिस से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर सेंड कर सकते हैं और हमसे सोराइसिस का एक परमानेंट इलाज पा सकते हैं बिना किसी स्टेरॉइड्स के। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, जॉइंट्स, इन सब पे गहरा असर डालता है, जो आगे जाके आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप चाहते हैं ऐसे काफ़ी टिप्स आपको मिलें जो आप घर बैठे बैठे मैनेज कर पाएँ सोराइसिस, जब तक आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या एक सही ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं,
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने घर वालों के साथ बांटें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हम तक पहुँचें। थैंक यू एंड टेक केयर।